नमस्ते, मैं हूँ मॉम्स क्यू से। तो आज हम बनाने वाले हैं बैगन का भरता। तो इसके लिए मैंने चार बैगन लिया था जिसे मैंने गैस में जला लिया था, भून लिया था, मतलब गैस में हमने भून लिया था। तो भूनने के बाद उसका हमने छिलका निकाल करके ऐसा रखा है। और इसके लिए मैंने दो प्याज काटा है बारीक, दो टमाटर, और जो हरी मिर्ची है आप जितना तीखा खाना चाहे उतना दे सकते हैं, और 5 से 6 लहसुन जो था उसको मैंने घिस लिया है, धनिया पत्ती लगेगा इसमें, और आधा कप मटर। अच्छा, अब हम तेल डालेंगे। तो ये कौन सा तेल यूज़ करें आप? ये सरसों का तेल। यही तेल यूज़ करना ज़रूरी है या वो सनफ्लावर ऑयल? सनफ्लावर ऑयल आप जिसमें आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ करते हैं, आप वो वाला तेल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम बारीक सरसों जो है ये तड़का में हम डालेंगे, बारीक सरसों। इसके बाद हम लहसुन डालेंगे, लहसुन के बाद हम प्याज डालेंगे, हल्का फ्राई कर लेते हैं। हम इसी के साथ मटर भी डाल देंगे, तो दोनों को अच्छे से भर लेंगे। इसमें नमक डाल देंगे तो जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगा मटर, और प्याज भी हल्का सा। फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस, जब तक ये फ्राई हो रहा है चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या डालने वाला है। अभी हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ओके। हल्दी पाउडर। ओके। देखिए, अब टमाटर मटर सब भून चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ये डाल देंगे, बैगन डाल देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में बन जाएगा ये। तो ये बैगन का भरता भी आज आपके कस्टमर के पास जाने वाला है, राइट मैम? यस। तो गाइस, मॉम्स क्यू में जो फीमेल्स है वो रेगुलर जैसे अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है, उनके साथ ही एक और एक्स्ट्रा मेंबर समझ के आपको खाना बनाना है। दिस इज़ द वेरी रीज़न जिसकी वजह से जो कस्टमर्स आ रहे हैं खाना खाने के लिए उनको भी घर का स्वाद मिल रहा है। इवन इफ अगर आप अपने घर से बाहर हैं, इवन इफ आप घर पर खाना नहीं पका रहे, अगर आप किसी की घर से खाना खाएंगे तो वो घर का खाने का टेस्ट अलग ही होता है। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो क्वालिटी है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे जो फीमेल्स है गाइस, वो अपने घर वालों के लिए खाना पका रही होती है, जो जिस क्वालिटी का वो अपने घर पे खा रहे हैं वही क्वालिटी वो आपको भी सर्व करने वाला है। सो काफ़ी मज़ा आएगा मैम को और आगे भी काम करने में, और देखते हैं कैसा लगता है आज इनके कस्टमर को ये स्पेशल बैगन का भरता। रेडी, तो ये अभी रेडी हो चुका है। ओके, फाइन। हम गैस को ऑफ कर देंगे। हो चुका है अच्छे से, पूरा बैगन मिक्स हो चुका है। ओके।